तो दौसा में महिला चिकित्सक खुदकुशी मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने भी आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। जयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी का ऐलान, कहा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि IMA ने क्या फैसला लिया उसे हमें कोई मतलब नहीं, हमारा आज का कंप्लीट बंद जारी रहेगा। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को प्रदर्शन का ऐलान IMA की तरफ से किया गया था। हालांकि IMA ने कहा कि प्रदर्शन नहीं रहेगा, लेकिन अब डॉक्टर कपूर कह रहे हैं कि IMA ने क्या फैसला लिया उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और आज जो बंद रहेगा वो बंद जारी रहेगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अब डॉक्टर अर्चना शर्मा केस में जो वार्ता हुई है डॉक्टर संगठनों के बीच और सरकार के बीच देर रात, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए कमरुद्दीन, अभी तक जो ये आंदोलन चल रहा था तमाम चिकित्सकों का, ये सब एक जाजम पर एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन IMA के ऐलान के बाद के हम आगे कार्य बहिष्कार नहीं रखेंगे, सरकार से जो आश्वासन मिला है उसके बाद हमारे आंदोलन को हम खत्म करने की घोषणा करते हैं, इस घोषणा के बाद में अब चिकित्सकों में 2 फाड़ जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हम कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ IMA कह रहा है कि हमने अपना जो आंदोलन था उसको समाप्त कर दिया है, दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के जो सचिव हैं डॉक्टर विजय कपूर, उनसे हमारी कुछ देर पहले जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन है वो आगे भी जारी रहेगा, IMA ने क्या फैसला लिया है उससे किसी तरह का कोई प्रभाव उनके आंदोलन पर नहीं पड़ेगा। आशुतोष, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कपूर जुड़े हैं, बात कर लेते हैं उनसे। विजय कपूर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ऐसी क्या वजह है कि आप कह रहे हैं कि IMA का जो फैसला है उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने स्तर पर आंदोलन करेंगे, क्या मांगे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या संतुष्ट नहीं है आप जो वार्ता हुई है? सॉरी एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद व्हाट इज हैपनिंग टुडे मॉर्निंग। जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट तौर से, बहुत ही सख्ती के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी डाउट के फिर ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वही स्टैंड है मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो कल था। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी एंड ऑल अदर एसोसिएशन, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ बंद कंटिन्यू होगा, देयर विल बी कंप्लीट टोटल शट डाउन इंक्लूडिंग ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, नो कंफ्यूजन। और हम सभी चिकित्सक सुबह 10 बजे JMA में इकट्ठा हो रहे हैं ये जानने के लिए और ये बताने के लिए कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ कंफ्यूजन फैलाने का काम किया है उनको बेनकाब किया जाए और ये जाना जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर कपूर, अभी देख रहे हैं आपकी लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार कार्रवाई भी सरकार की तरफ से हो रही है, अब वार्ता में भी आश्वासन दिया गया है कि मांगे पूरी की जाएंगी, तो अब आगे आप ऐसे स्टेप क्यों ले रहे हैं जबकि IMA भी संतुष्ट है, तमाम डॉक्टर काम पर लौट आए? देखिए, आश्वासनों से, कमेटियों के गठन से अब काम नहीं चलने वाला, आश्वासनों का, कमेटियां बनाने का खेल नहीं चलने दिया जाएगा। तुरंत और तुरंत जो कार्रवाई जायज है, जो होनी चाहिए सारे अभियुक्तों के खिलाफ वही होनी चाहिए, वो वही। आपके स्तर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या नहीं हुई? एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 306 धारा 306 अबेटमेंट की सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रेरित करने के तहत मुकदमा दर्ज करके तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए 6 के 6 अभियुक्तों की, इंक्लूडिंग ऑल 3 पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन विजय कपूर जी, आपको पता है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों को जेल भेजा गया है। मुझे 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 मालूम है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे, अपनी बात रखी। और हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा जो इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, वो जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों में ही अगर गुटबंदी आ जाएगी तो मरीजों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़नी लाजमी हो जाएंगी।
आप देखिए कमरुद्दीन, बिल्कुल देखिए अभी तक जो ये आंदोलन चल रहा था ये एक अम्ब्रेला के नीचे चल रहा था, यानी कि तमाम जो चिकित्सक थे वो अब तक आईएमएफ की जो तमाम बातें थी उनको मान रहे थे। ये भी कहा गया आज से पहले कि आईएमए जो फैसला लेगा वही आखिरी फैसला होगा, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है आईएमए का उसको चिकित्सक वर्ग नहीं मान रहा है। और अब पूरे आंदोलन में कहते हैं कि जब आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसमें किसी ना किसी तरीके इश्यूज आने लगते हैं। अब इस चिकित्सकों के आंदोलन में दो फाड़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जैसा डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने इस तरह का जो माहौल है वो बनाने की कोशिश की है या आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की है। अब ये कौन लोग हैं, ये है तो चिकित्सक ही, और आखिर दो फाड़ जैसी स्थिति है उसमें क्या रहेगा। अब 10 बजे एक बार फिर से जेएमए में मीटिंग बुलाई गई है, संभव है कि ये जो मीटिंग है ये हंगामेदार हो सकती है आज की। लेकिन अभी की बात करें तो अभी तक जो चिकित्सक हैं सरकारी, यानी कि सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है मरीजों का वो पड़ेगा कि साहब क्या सरकारी अस्पताल बंद है क्या। तो अभी तक सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट ना मिलने की खबर अभी तक नहीं आई है। संभवतः आज सरकारी जो तमाम अस्पताल है, चाहे वो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस की बात करें या प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें, तो अभी तक वहां से कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आई है कि हम बंद रखेंगे। तो वो चालू रहेंगे, इमरजेंसी सेवाएं भी चालू रखेंगी। आपसे कुछ देर बाद में जैसे जैसे ये बात चिकित्सकों तक पहुंचेगी आपस में ये क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गलत मैसेज आंदोलन का अब इससे सर्कुलेट हो चुका है कि आईएमए जो कि सर्वोच्च जिसको माना जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो तमाम पदाधिकारी हैं इनकी जो वार्ता हुई सरकार से उस वार्ता को मानने को तैयार नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन में दो फाड़ जैसी स्थिति हो गई है, तो आपस में ही चिकित्सकों में एक गलत तरह का जो मैसेज है वो उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे बिल्कुल आशुतोष, हम तो यही कहेंगे डॉक्टरों से जो धरती के भगवान कहे जाते हैं और जिनकी जरूरत है मरीजों को, उनको जरूरी है कि वो एक संयुक्त मोर्चा में रहें और एक संगठन के स्तर पर काम करें, संगठनात्मक रूप से काम करें, एक सामूहिक रूप से काम करें तो बेहतर रहेगा, ऐसी स्थिति ना पैदा हो तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए